This is Neha Shah from Let's Learn Spreading Wings. First of all, I want to thank to all of you to like my channel this much. And please, aap subscribe kar lijiye agar aapne subscribe na kiya ho, aur maximum share kijiye. We know that kabhi kabhi aisi situation aa jati hai life mein ki hume gussa aa jata hai. Aur hum sabko pata hai ki gussa kara to hamari sehat ke liye bahut hanikarak rehta hai. Phir bhi ye aisi emotion hai jise hum control nahi kar pate. और उसमें जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं जब हमें गुस्सा आता है उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे आज मैं वो सिखाने वाली हूँ आपको. प्लीज 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 दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. वॉच दिस टिल एंड और लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. एंगर रिलेटेड सेंटेंसेस. तुम तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस सीन? व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस सीन? वह आवारागर्दी कर रहा है. ही इज लॉयटरिंग. ही इज लॉयटरिंग. तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट ट्रबल लाइक दिस. यू शुड नॉट ट्रबल लाइक दिस. मुझे पता है कि मैं तुम्हें कितना झेल रहा हूँ. आई नो हाउ मच आई एम सफरिंग यू. आई नो हाउ मच आई एम सफरिंग यू. मैं तुम्हें देख लूँगा या तो मैं तुम्हें देख लूँगी तो क्या कहेंगे? आई विल सी यू. आई विल सी यू. तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? मैंने उसको बहुत डांटा. आई रिब्यूक्ड हिम अ लॉट. आई रिब्यूक्ड हिम अ लॉट. रिब्यूक मतलब स्कोल्ड करना भी होता है. आप ऐसा भी कह सकते हो आई स्कोल्डेड हिम अ लॉट. मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है. इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ मी. इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ मी. मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है. आई हैव कॉट यू रेड हैंडेड. आई हैव कॉट यू रेड हैंडेड. मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी. आई हैडन्ट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. आई हैडन्ट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है. यू हैव प्रोवोक्ड हिम अगेंस्ट मी. प्रोवोक मतलब भड़काना. यू हैव प्रोवोक्ड हिम अगेंस्ट मी. अपनी औकात में रहो. बी इन योर लिमिट. बी इन योर लिमिट. बकवास बंद करो. स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस. स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. डोंट मेक मी एंग्री. मुझसे पंगा मत लो. डोंट मैस विथ मी. डोंट मैस विथ मी. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. आई विल नॉट स्पेयर यू. आई विल नॉट स्पेयर यू. चाहे जो भी हो मैं ये करूंगा. चाहे जो भी हो से सेंटेंस जब शुरू होता है ना तो पीछे कुछ भी हो लेकिन आगे हम कम वॉट में कहेंगे. क्या कहेंगे? कम वॉट में. रिपीट कर रही हूँ. चाहे जो भी हो उसके लिए कम वॉट में कहेंगे. चाहे जो भी हो मैं यह करूँगा. कम वॉट में आई विल डू इट. कम वॉट में आई विल डू इट. तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना. Don't you even try to talk with me. Don't you even try to talk with me. यहाँ क्या बकवास चल रही है? What the hell is going on here? What the hell is going on here? तुम बोलते समय कुछ नहीं सोचते हो. You don't think anything while speaking. You don't think anything while speaking. I hope आपके गुस्से में आप जो जो सेंटेंसेस बोलते हो उसे आरेज में कवर हो गए होंगे.
और अगर ना भी हुए हो और आपको कुछ नए सेंटेंसेस जानने हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट टू मैक्सिमम। थैंक यू।